कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 13। दोनों ओर से गदाओं, बाड़ों और सूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत हुआ देख गरुड़ पर चढ़े भगवान विष्णु युद्ध में आगे बढ़े और उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर का टंकार किया। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाड़ों से आकाश भर गया, लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाड़ों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र और धनुष बाढ़ काट डाले। इससे व्यथित हो उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाढ़ मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाढ़ चढ़ाकर उसको बेदना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाढ़ बरसाने लगा। उसने विष्णु जी की कई पैने बाढ़ मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी, परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य कुछ भी चलायमान ना हुआ। उसने एक अग्निमुक्त शूल उठाकर विष्णु पर छोड़ दिया। विष्णु जी ने शिव जी के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती पर एक जोर का मुष्टिक मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी एक मुष्टि का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक बाहुओं और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे, तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज से मेघवाड़ी में बोले, रे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वर मांग। मायावी विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा अपने सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी बोले, उनके ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को खेद तो हुआ, किंतु उसी क्षण देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को वहां पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्न आदि थे सबको ले जलंधर पृथ्वी पर आया। निशुंभ को पाताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बना त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। जय श्री कृष्ण।